हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेई लाइव डेली। बच्चों यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 रेडियो एक्टिविटी का हम पढ़ने वाले हैं और इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट जिस पे बेस्ड कंपटीशन में क्वेश्चंस आने ही आने हैं, मतलब इतनी फेमस चीज़ है ये, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकता है। रेडियो एक्टिव लॉ ऑफ डीके, लॉ ऑफ डीके के अकॉर्डिंग किस तरह से न्यूक्लियाई का ग्राफ बनता है टाइम के साथ, कैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरी करते हैं बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं बच्चों, ये है जेई लाइव डेली इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी जेई चैनल, जहाँ पे आप इसी तरह के लाइव इवेंट्स, लाइव लेक्चर्स देख पाएंगे फ्रॉम 7 to 10 एवरी डे। और यस बच्चों, अगर आप अगर पहली बार आ रहे हैं, यस मैंने देखा लाइव चैट में थोड़ा सा हमने आज स्वैप कर दिया था, तो पारस सर का लेक्चर 7 o'clock हुआ था, मेरा 8 o'clock हो रहा है। बट यस, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए बच्चों, पढ़ाई निरंतर होनी चाहिए और निरंतर इसी तरह से पढ़ाई हो रही है इस चैनल पे रेगुलरली लाइव। जो बच्चे यहाँ पे लाइव देखते हैं उनको मैं प्रॉमिस करता हूँ सारा का सारा कंटेंट, सारा का सारा जेई के लिए नहीं, जेई मेन या एडवांस के लिए ही नहीं बच्चों, बट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी और भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे नीट के कुछ विद्यार्थी यहाँ पे इस चैनल को रेगुलरली देख रहे हैं, सभी को सारी चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगी। आई एम जयंत नागदा, मैंने IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने करीब 10 साल बच्चों को ट्रेन किया है अपने जेई मेन और एडवांस एग्जाम के लिए। तो बच्चों इसी तरह से अगर आप जेई के लिए और एक एडेड एडवांटेज ऐड करना चाहते हो अपने जेई की प्रिपरेशन में, तो अनअकैडमी का एक प्लस प्लेटफॉर्म है, उसको जल्दी से ज्वाइन करो। एक्सप्लोर नहीं किया है तो इस लिंक पे जाके unacademy.com/plus पे जाके आज रात को देखना किस तरह से वहाँ पे लाइव इवेंट्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज वहाँ पे चालू है ऑलरेडी बहुत महीनों से और रेगुलर डाउट क्लियरिंग भी हो रही है। तो इस तरह का एक अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है जिसको ऐसा बनाया है बच्चों, डिज़ाइन इस तरह से आप कभी भी एंटर कर सकते हो, कितने भी टाइम के लिए आप एंटर कर सकते हो, और जब भी एंटर करेंगे आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे ऑसम चलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। जैसे इस मोमेंट पे भी अभी दिसंबर जस्ट चालू होने वाला है, अभी ढेर सारे वहाँ पे रिविजन कोर्सेज हम कर रहे हैं और रेगुलर बैच कोर्सेज तो कर ही रहे हैं, कुछ टॉपिक वाइज टॉपिक स्पेसिफिक को टारगेट करते हुए चीज़ें कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स हमारे अलावा बच्चों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स वहाँ पे, ढेर सारे बेस्ट एजुकेटर्स ऑलरेडी लाइव जा रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर से अनअकैडमी की एक लर्निंग ऐप है, iOS पे भी है, बट इसको डाउनलोड करें जल्दी से जल्दी, बिकॉज दिस इज द नंबर वन ऐप, मोस्ट फेमस ऐप है और एजुकेशन में जो नंबर वन ऐप है उसको अगर आपने ट्राई नहीं किया, यू आर ऑलरेडी मिसिंग आउट सो मच। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ऐप, और उसमें मेन्यू में प्लस जाके आप अपना टारगेट IIT JEE, नीट, एम्स, जो भी आपका टारगेट है बच्चों उसको सेलेक्ट करो। एंड एज आई सेड, गेट द सब्सक्रिप्शन टुडे, डोंट बी शाय। यहां पे अगर आप सिर्फ जनरली मेन को टारगेट कर रहे हो तो ये 1 महीने वाला भी ले सकते हो, ठीक है, और अगर आप एडवांस तक, मई जो अप्रैल वाला है और एडवांस तक सभी को टारगेट करना चाहते हो तो 6 मंथ वाला ले सकते हैं। एंड ऑफकोर्स द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान्स आर 1 ईयर एंड 2 ईयर प्लान्स, जो काफी बच्चे लेके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जितना जल्दी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, कुछ 11th के बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं तो अप्रैल में लूंगा, मैं तो मई में लूंगा, बच्चों इतना लेट करोगे आपको प्लस प्लेटफॉर्म से थोड़ा यूज टू होने की आदत की जरूरत भी होगी, तो आप जितना जल्दी हो सके, द अर्लियर द बेटर, है ना जी। और उसको ज्वाइन करते समय अगर आप एक कोड जयंत लाइव कोड को यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों ये मेरा एक पर्सनल कोड है, अगर आप इस कोड को यूज़ करते हो तो डिस्काउंट आपको डेफिनेटली मिलेगा, साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस जब तक आप मेन और एडवांस क्लियर नहीं कर लेते, है ना, मेरे से पर्सनली जुड़े रहेंगे, प्लेटफॉर्म पर सबसे पढ़ सकते हैं। बट दिस इज़ अ स्पेशल यू नो कोड विच गिव्स यू डायरेक्ट कनेक्शन विथ मी एंड आई विल बी एबल टू गाइड यू एंड मेंटर यू इफ यू यूज द कोड। सो बच्चों जल्दी से आप इसको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके ज्वाइन करें। और अगर आप ये प्राइसेस बच्चों ₹60 per day, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई कैन पर्सनली अंडरस्टैंड कि ₹60 per day करके अगर ये 1 साल का फीस है, जैसे ये भी अगर आपके बच सके, आपके पेरेंट्स पे लोड नहीं आए, अगर आपके पेरेंट्स कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं आए तो इसीलिए तो हमने चैनल चला रखा है। सो दिस इज द चैनल वेयर वी आर स्टडिंग ऑसम थिंग्स, मेनी ऑसम थिंग्स। एंड यस, कल ही आई थिंक हमने पढ़ा था कि अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और गामा रेज की एमिशन के क्या रीजंस हैं, क्या कारण है, क्यों हो रहा है, ठीक है। तो वो जो रेडियो एक्टिविटी का सिलसिला हमने कल चालू किया है उसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम एवरीवन, यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिविटी को आप डिफाइन ऐसे कर सकते हो, दिस इज द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन
of you know alpha particles, beta particles, gamma rays, है ना, ये सारी चीज़ें आपके radiations हैं, emissions हैं, और ये mostly heavy elements में देखे जा रहे हैं, और इस पूरे phenomenon को आप क्या बोलते हो, radioactivity, all right? तो radioactivity के बारे में एक छोटा सा discussion, एक you know radioactive elements जो इस तरह का चीज़ें alpha particle, beta particle का emission या gamma rays का emission करते हैं, तो वो कौन से elements होते हैं, उनको कहते हैं हम radioactive elements. Example के तौर पे the most famous radioactive element क्या है, live chat में लिखिए, uranium है. Also there are more radium, thorium. यहाँ पे मैंने कुछ examples लिखे हैं, polonium, neptunium, plutonium, है ना, ये सारे आपके radioactive substances हैं. इनका disintegration होता है, और disintegration क्यों होता है, decaying क्यों होती है, ये हमने पढ़ाई है. न्यूक्लियर फिजिक्स अभी भी चल रहा है बच्चों, याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को कम करने के लिए, यानी कि स्टेबिलिटी को रीच करने के लिए. तो ये सब कुछ स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए हो रहा है, और ये सारा फिनोमिनन हमको सबसे पहले दुनिया के सामने सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ द रेडिएशन, है ना, एमिशन वॉज डन बाय हेनरी बेक्वायरल, मिस्टर हेनरी बेक्वायरल की वजह से 1896 में यूरेनियम सॉल्ट को उन्होंने एनालाइज किया था, और उसकी रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम दुनिया को बताया था. साथ साथ वी के नॉट फॉरगेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्यूरी कपल, ठीक है, फेमस पियरे एंड मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम पे ज़्यादा रिसर्च किया था, और रेडियम जो कि एक यूरेनियम की ही तरह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बट दिस इज 10^6 टाइम्स मोर रेडियो एक्टिव, एंड शी इज़ द वन जिसको, है ना, एक यू नो प्रॉपर फिजिसिस्ट भी बोलते हैं, और केमिस्ट्री में भी आपको पता ही इनके इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो बच्चों इनकी बात तो हमने कर ही ली, इनको आदर सम्मान दे दिया है हमने, आगे बढ़ते हैं. आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है अपने कॉम्पिटिशन के परस्पेक्टिव से, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है बच्चों, कि रेडियो एक्टिविटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय फिजिकल, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से, है ना, फिजिकल और केमिकल चेंजेस की वजह से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब आप केमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज कर दोगे तो ये कंट्रोल में आ जाएगी या रिएक्शन कुछ और हो जाएगी. दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज इनसाइड द न्यूक्लियस. बच्चों ये न्यूक्लियर इवेंट है, इस चीज़ को समझो, ये एक न्यूक्लियर इवेंट है, एटॉमिक लेवल पे नहीं हो रहा है, ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे आपका कोई कंट्रोल फिजिकल या केमिकल पहुँच भी नहीं सकता है. तो ये एक चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, होनी है तो होनी ही है, और इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है तो किन एलिमेंट्स में हो रही है, हमने डिस्कस किया है कि जेड ग्रेटर देन, एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82, बिस्मथ के आगे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं, नेचुरली वो लोग रेडियो एक्टिव है. और एक नेचुरली रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी होती है, उसको कैसे समझ सकते हैं आप, कन्वर्जन ऑफ लाइटर एलिमेंट्स जेड के अलावा, है ना, जेड 82 के अलावा लाइटर एलिमेंट्स के लिए भी अगर हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं विथ सम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स तो उनकी भी रेडियो एक्टिविटी, उनकी भी एमिशन रेडिएशन शो होती है, तो उसको हम आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं. बट वो एक ऊपर की चीज़ है. आपको बेसिकली कुछ मैंने पॉइंट्स इसलिए बताएं क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होंगी. मैं जो DPP लगाऊंगा उसमें भी उस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे. बट यहाँ पे मेन चीज़ पे आते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एंटायर रेडियो एक्टिविटी इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. अच्छा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या कह रहा है, किसी भी समय पे रेट ऑफ डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम्स. रेट ऑफ डीके को आप कैसे समझोगे बच्चों, रेट ऑफ डीके को क्या मैं dN/dt लिख सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. एन अगर नंबर ऑफ न्यूक्लिया है किसी भी पॉइंट पे, एन नंबर ऑफ न्यूक्लिया टी टाइम पे सपोज है, आपके पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल है, तो ये लॉ क्या बोल रहा है, ये लॉ ये बोल रहा है कि रेट ऑफ जो डीके है, रेट ऑफ डीके इज प्रपोर्शनल टू एन. ठीक है, और रेट ऑफ डीके प्रपोर्शनल टू एन मतलब कि प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लिया या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट. तो ये पूरी चीज को अगर आप समझ रहे हो बच्चों, ये पूरी चीज में प्रपोर्शनैलिटी यूज हुआ है, यानी कि ये बेसिकली एक लॉ है,
है ना, रेट ऑफ डीके dN by dt एंड ऑल्सो माइनस dN by dt, माइनस साइन क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लिया इन द सैंपल आर डिक्रीजिंग। वो जो शुरुआत में मैंने एक एनिमेशन बताई थी वहाँ पे ब्लू डॉट्स रेड में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब वो निपट रहे हैं, तो एक एक करके जो मॉलिक्यूल या जो एटम निपट रहा है बच्चों, यहाँ पे रेट ऑफ उसकी डीके यानी कि dN by dt, बट dN by dt विल बी अ नेगेटिव नंबर, इस चीज़ को समझो। एन अगर डिक्रीज हो रहा है, dN by dt इज अ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे माइनस साइन में क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप दिस पॉजिटिव, एंड माइनस डी एन बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू एन, उस पॉइंट पे जितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया है, नंबर ऑफ एटम है, एंड दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर अ वेरी लार्ज सैंपल, एक बड़े सैंपल के लिए बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिया के लिए बिल्कुल ट्रू है। ट्रू क्यों है, अभी हमने ये डिस्कशन किया कि बच्चों रेडियो एक्टिव डीके एक रैंडम प्रोसेस है ना, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अपने आप होगा ही होगा, तो रैंडमनेस, जब हम रैंडमनेस समझते हैं तो एक ओवरऑल आइडिया ले रहे हैं यहाँ पे आपने इस चैनल पे, आई एम श्योर समीर सर की प्रोबेबिलिटी और पीएनसी भी पढ़ी होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, रेट ऑफ डीके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ डीके होगी, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस एंड इनडिपेंडेंट इवेंट। ये सारी चीज़ें आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी का काम आज के लेक्चर में भी आएगा, अभी देखना थोड़ी देर में, बट वी कैन नॉट टेल, बेसिकली वी कैन नॉट टेल कब एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होगा, और जो भी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो उस मौके पे हैं उसके प्रपोर्शनल, अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो यहाँ पे मैं कुछ ये इक्वेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ बच्चों, दिस इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एन, सम कॉन्स्टेंट टाइम्स एन, दिस कॉन्स्टेंट इज नोन एज डी के कॉन्स्टेंट, कौन सा कॉन्स्टेंट, डी बड़ा के एक बड़ा नहीं, डी के कॉन्स्टेंट, ओके, ये कोई शॉर्ट नेम नहीं, डी के मतलब जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उसको डीके प्रोसेस भी कहते हैं, तो डीके कांस्टेंट अगर लैम्डा में यूज़ कर रहा हूँ एक यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, आपको पता ही है कि इस केस में आप क्या करेंगे, इन एन महाशय को इधर बुला लेंगे और इस लैम्डा, इस डीटी को है ना, इस लैम्डा और डीटी को इस तरफ रहने देते हैं, इस माइनस को भी इधर चिपका दिया, तो यहाँ पे ये तैयारी हो चुकी है पूरी तरह से इंटीग्रेट करने की। इंटीग्रेशन के लिमिट्स अब क्या होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिसाइड द इंटीग्रेशन के लिमिट्स, t इक्वल टू जीरो पे बच्चों सैंपल में सपोज n नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट है और t टाइम तक n हो जाते हैं, तो इस सिंपल से इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, जल्दी से बता सकते हैं, राइट दिस डाउन, इस चीज को लिखें बच्चों प्रॉपर, बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है कि हर एक लाइव इवेंट के बाद हम पीडीएफ लगाते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे ही आप लाइव इवेंट देखते हो जल्दी से वो पीडीएफ को है ना जल्दी जल्दी देखना, लिखना कुछ भी मत, बहुत सुंदर सुंदर, देखो मेरे को मैं बहुत कोशिश करता हूँ सुंदर लिखने की, बट मेरे को ये शोभा देता है क्योंकि आई एम प्रेजेंटिंग द कंसेप्ट टू यू, लेकिन आप किसी और को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो जब आप नोटबुक में लिखें आप बहुत बहुत सुंदर सुंदर पेन से, तीन चार पेन अलग अलग रंग के ना यूज़ करें बच्चों, अगले साल वो कॉपी वैसे ही 10 रुपये भाव में जाने वाली है, तो यहाँ पर फिर से देखो इसको इंटीग्रेट करो, और जैसे ही राइटिंग में लिखना है लिखो यार, तो मेरी राइटिंग वैसे ही बहुत ही गंदी है आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे ln आ जाएगा, ln ऑफ n, इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपने n नॉट से n लगाई है, और यहाँ पे माइनस लैम्डा t रख दिया है ना, t माइनस जीरो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद क्या बनेगा, क्या ln अपर लिमिट माइनस ln ऑफ लोअर लिमिट, ये बहुत ही मतलब मैं सिंपल कर दिया यार, इसको जल्दी लेते हैं, और ये पूरी चीज़ अगर आपने ऑफकोर्स n बाय n नॉट या n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, व्हाट इज एन नॉट हियर, व्हाट इज एन नॉट, एन नॉट इज द इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, कल हमने पेरेंट और डॉटर का एक कंसेप्ट भी डिस्कस किया था कि जो पेरेंट हो रहा है डिसइंटीग्रेट हो रहा है और लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट, और ये जो डॉटर बन रहा है वो पेरेंट और डॉटर में ये रिलेशन है, नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टी की टर्म्स में ये हो गया, ठीक है जी, और ये अगर हो गया तो इसका ग्राफ बना सकते हो, क्या एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ पेरेंट टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, जल्दी से बना के बताना मुझे, और कमेंट्स में बी क्रिएटिव, आप लोग की लाइव चैट में कुछ दिख रही है ऑफकोर्स, बट बी क्रिएटिव बच्चों, हेलो एवरीवन, आज जनता थोड़ी कम है, शेयर करो भाई, शेयर करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और यहाँ पे दिस पॉइंट
है ना, अगर आप यहाँ पे t इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं तो बच्चों मेरे को लगता है इस तरह का कुछ ग्राफ आ जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह का अगर कुछ ग्राफ आ रहा है n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा t को वो सजेस्ट कर रहा है ये पॉइंट बेसिकली t इक्वल टू जीरो पे एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को शो भी कर रहा है। तो यहाँ देखिए इसी पूरे लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन को रखा था दुनिया के सामने रदरफोर्ड, फेमस रदरफोर्ड एंड सॉडी। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है, वही चीज़ है। और माइनस डी एन बाई डी टी प्रपोर्शनल टू एन इज द लॉ, लॉ ये चीज़ है ना, ये पूरी चीज़ आपकी रदरफोर्ड एंड सॉडी लॉ है जो हमने डिस्कस किया। बट इसको अगर सॉल्व करने पे इस तरह का एक्सप्रेशन और इस तरह का ग्राफ आता है और अगर आपको समझ में आ गया कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है तो बस लाइक करते चलो और आगे इस वीडियो को शेयर भी करना। सामने देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में ये टर्म बार बार आप देखोगे। तो हाफ लाइफ जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है इज एक्चुअली द टाइम रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई टू फॉल टू 50% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू एन नॉट की 50% हो जाए उसमें कितना समय कितना टाइम लगेगा, तो लेट्स ट्राई एंड कैलकुलेट दैट एन नॉट बाय टू कितने टाइम में हो जाएगा। ये सिंपल सा एक चीज़ आपको अगर निकालना है, यहाँ पे n की जगह n नॉट बाई टू लिखा आपने, यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज़ साफ हो रही है उसको उड़ा दो और n नॉट उड़ने के बाद क्या आपको e टू द पावर लैम्डा t, इसको इधर बुला लिया, t को उधर फेंक दिया, ये आ जाएगा, या फिर ln है ना log, अगर आपने ले लिया दोनों तरफ, अगर मैंने राइट हैंड साइड में log टू द बेस e उसको ln बोलते हैं, लैमडा टी अगर इक्वल हो गया ये चीज़ तो आपके पास t का जो वैल्यू आ गया बच्चों दैट इज़ द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ, t स्मॉल हाफ या t कैपिटल हाफ से भी हम बता सकते हैं, दिस इज ln 2 डिवाइडेड बाय लैमडा। लैमडा क्या था यार, लैमडा क्या चीज़ थी, लैमडा वॉज डी के कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये टाइम का अगर फॉर्मूला आ रहा है और लैमडा अगर आपको डिनोमिनेटर में आ रहा है तो साथ साथ आप ये भी लिखना लाइव चैट में या कमेंट्स में कि लैमडा डी के कॉन्स्टेंट के डायमेंशंस क्या होंगे, डी के कॉन्स्टेंट के डायमेंशंस क्या होंगे, ये चीज़ भी बताना। यहाँ पे इसी चीज़ को बच्चों देखो, अगर ये चीज़ आपके पास ln 2 बाय लैमडा आ रही है, ठीक है, तो ln 2 की वैल्यू 0.693 अप्रॉक्सीमेटली, ये सारी चीज़ें हमने RC सर्किट वगैरह में भी देखी, याद करो। तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय लैमडा या ln 2 बाय लैमडा। यहाँ पे एक टाइम पीरियड में बच्चों n से n नॉट बाय 2 हो चुका है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो ये पॉइंट आपको बेसिकली क्या बता रहा है, एक टाइम एक हाफ लाइफ में, ठीक है, आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियर एन नॉट बाई टू इनिशियल के हाफ हो गए और वो टाइम कितना है, वो टाइम इस तरह से आपके पास सामने आ जाएगा। तो बच्चों अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं क्या पूछ रहा हूँ यहाँ पे, एक और तरीके से एक्चुअली डिफाइन कर सकते हैं हाफ लाइफ को, ये चीज़ सुना, टाइम इंटरवल इन विच मास ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, या तो मास की बात करें या नंबर ऑफ इट्स एटम्स की बात करें, तो मास इनिशियली अगर 1 kg था तो कितनी देर में हाफ kg हो जाएगा, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या है, हाफ लाइफ में इट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एंड दैट हाफ टाइम का एक्सप्रेशन वी हैव डिराइव्ड इट, इसको ग्राफ में भी समझो बच्चों, ये हाफ लाइफ है, ये 1 हाफ लाइफ है, ये 2 हाफ लाइफ है, ये 3 हाफ लाइफ है और इस तरह से ये डिक्रीज होता जा रहा है नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, एक बढ़िया सा ऑसम सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना एंड यू हैव लेस देन 1 मिनट टू सॉल्व इट, 1 मिनट दिख रहा है बट उससे भी कम दूंगा मैं। तो यस, हाउ इज़ एवरीवन, ये जो आपके प्यारे प्यारे हार्ट्स और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिख रहे हैं उनको चलते रहने दो। हेलो पायल, हेलो अनिकेत, आप सभी बहुत रेगुलर बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, है ना, लेकिन सबका मैं नाम एंड अच्छा, इफ देर इज समबडी फ्रॉम फ्रांस टूडे आई डेंट एक्सपेक्ट इट बट यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच ऑल दीज लेक्चर्स, हेलो रोजेला, बट आई रियली फील कि ये किसी का फेक अकाउंट भी हो सकता है, तो यस, तो ये आपका, चलिए जल्दी से सॉल्व करना है, हाँ बातों में नहीं लगना है, ट्राई दिस एंड राइट डाउन योर आंसर्स इन द लाइव चैट, ओके। सो वी आर गेटिंग इनफ आंसर्स, ए है, सी है, बी है और डी बच गया है, किसी ने डी नहीं लिखा है, कोई डी भी लिखेगा, ओके सी योर टाइम इज अप,
बेहद सिंपल सवाल है, मैं दो अप्रोच से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे। यहाँ पे हाफ लाइफ जो भी ये है उसे मतलब नहीं, केमिस्ट्री पढ़ी नहीं कभी, 100 माइक्रो सेकेंड अगर हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ की वैल्यू आपको 100 माइक्रो सेकेंड दे दी है, ठीक है। टाइम टेकन फॉर द रेडियो एक्टिव टू बिकम डीके टू 1/16 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू अगर एन नॉट है तो ये पूछ रहा है कि एन नॉट से एन नॉट बाई 16 आने में कितना समय लगा। तो ये निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो मुझे पता है कि एन इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैमडा टी लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस लैमडा टी में अगर मैं एन की जगह पर एन नॉट बाई 16 रखूँ तो भी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। एंड आई नो तुम बोल रहे हो अरे ऐसे क्यों कर रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं, तो उस पर भी आते हैं। बट यहाँ देखो ना, इस चीज़ को आप इधर लिया है, 16 को उधर फेंक दिया, तो मेरे पास e टू द पावर लैमडा टी इज इक्वल टू 16 आ रहा है। यहाँ पे ln दोनों तरफ log ले लो, तो अगर आपके पास लैमडा टी इज इक्वल टू ln ऑफ 16 आ रहा है, और ln 16 इज नथिंग बट ln 2 टू द पावर 4, ठीक है, और लैम्डा को इधर फेंक दो, तो टाइम अगर आपके पास 4 टाइम्स ln 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, यानी कि 4 गुना आपकी जो हाफ लाइफ थी, आपकी हाफ लाइफ कितनी थी, आपकी नहीं, ये जो भी एटम है, तो 4 टाइम्स दिस यानी कि 400 माइक्रो सेकेंड। ऑफकोर्स आप लोगों ने ए आंसर लिखा है, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए की वजह से आपको प्लस 4 मिलेगा। लेकिन देखो ये एक अप्रोच है, ऑफकोर्स ये अप्रोच थोड़ी सी लेंदी लग सकती है, बट ये प्रॉपर फॉर्मूले से इस तरह से भी आपको आना चाहिए, ठीक है। साथ साथ अप्रोच क्या है, यही वाली चीज़ में ये जो फॉर्मूला है इसको हम यूज़ कर सकते हैं या तो या नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। द अदर अप्रोच इज एक्चुअली आफ्टर एन हाफ लाइफ्स, देखो आफ्टर वन हाफ लाइफ क्या होने वाला है, इस ग्राफ को देखो समझो, ये वन हाफ लाइफ के बाद एन नॉट बाई 2 हो गया, 2 हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, तो 2 हाफ लाइफ का कंसेप्ट बच्चों ये होता है कि जो इनिशियल है जीरो नहीं हो जाएगा, जो इनिशियल वैल्यू है उसका अगर एन नॉट बाई 2 हो रहा है एक हाफ लाइफ में, तो ये वाली वैल्यू का अगेन हाफ हो जाएगा इन अनादर हाफ लाइफ, एंड इन अनदर हाफ लाइफ दिस विल बिकम फर्दर हाफ ऑफ दिस वैल्यू। तो ये एन नॉट, एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 8, इस तरह का एक प्रोग्रेशन होता है, और ये अगर एन हाफ लाइफ के बाद आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, समझ में आ रहा है कितने अनडिकेड अभी भी बचे हुए कितने हैं जो कि बच गए हैं, तो एन नॉट बाई 1 टू द पावर 2 टू द पावर एन, है ना, 1/2 टू द पावर एन, या तो ऐसे समझो या ऐसे समझो ना, सिंपल है, एन नॉट था हाफ लाइफ में, एन नॉट बाई 2 हो गया, फर्दर हाफ लाइफ में इसका आधा यानी कि एन नॉट बाई 4 हो गया, अगेन एक और हाफ लाइफ में एन नॉट बाई 8 हो गया, तो ये हर एक हाफ लाइफ में आधा आधा हो रहा है, यही इस ग्राफ में बेसिकली आपको समझना है। एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 4, एन नॉट बाई 8, एन नॉट बाई 16, यहाँ पे अगर ये 4t होता तो 4 हाफ लाइफ में कितना हो रहा है, 2 टू द पावर 1, एन नॉट बाई 2 टू द पावर 4, एन नॉट बाई 2 टू द पावर 3, तो ये चीज़ आपको एन नॉट बाई 2 टू द पावर एन फॉर्म एन हाफ लाइफ के बाद। ऑल्सो द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई लेफ्ट, कितने न्यूक्लियाई लेफ्ट है, कितने बचे हुए हैं और ओरिजिनल कितने थे, तो ये फ्रैक्शन भी आप निकाल सकते हैं, एन हाफ लाइफ के बाद 1/2 टू द पावर एन हो जाएगा। तो ये जो बात आपको समझ में आ गई, आप यार मैथ्स के बड़े धुरंधर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ज़्यादा समझाने में रिस्क है, हमें तो ये पता है सर, क्यों बोर कर रहे हो, ये तो 9th में पढ़ लिया था, 10th में पढ़ लिया था, वेरी गुड। तो ये एक सवाल है, चलो सवालों से समझते हैं कितना आपको समझ आया है। और हाउ टू स्कोर 250 प्लस वैभव पांडे, अरे वाया नाम तो सही है तेरा, कोटा फैक्ट्री वाला नाम है क्या वैभव, 250 प्लस 350 प्लस जो भी चीज़ है, मतलब नंबर में क्या रखा, ज्ञान ले हो, ठीक है, अगर ये नहीं करोगे तो वहाँ नंबर आएगा नहीं, वो कोई मैजिकल चीज़ थोड़ी ना है, ऐसा वहाँ पे शक्ल देख के मार्क्स थोड़ी देंगे बेटा, क्वेश्चन करते रहोगे निरंतर इस चैनल पे, क्विज करो, ये करो, पढ़ते रहो, पढ़ाई करो। लास्ट 30 डेज़ की स्ट्रेटजी मैंने बताई थी थोड़े दिन पहले, डू दैट, इम्प्लीमेंट दैट इन योर लाइफ। ओके एवरीवन, व्हाट आर योर आंसर्स, ए बी ए बी सी बी दिखा मुझे, ए बी ए बी, आज डी कोई नहीं बोल रहा, अच्छी बात है ये। तो आपको 2 घंटे में, 2 घंटे में हाफ हो जा रहा है, नहीं 2 घंटे में 1/16 हो जा रहा है। ओके सो यू हैव एन नॉट बाय 16 आफ्टर 2 आवर्स, मतलब एन नॉट बाय 2 टू द पावर 4,
है ना, ये अगर आपके पास हो चुका है इन 2 आवर्स, तो ये इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि 4 हाफ लाइफ्स की वैल्यू 2 आवर्स है, तो 1 हाफ लाइफ की वैल्यू 0.5 आवर यानी कि 30 मिनट। ये कन्वर्जन तो आपको पहले से ही आता है, तो चलिए 30 मिनट वाले प्लस 4 करेंगे। और एक और सवाल दिख रहा है, इसको भी ट्राई कर लेंगे, जल्दी से इसको ट्राई करके आंसर करना, थोड़ा जल्दी करना, लेट्स डू इट फास्टर। ओके यस, चलिए। और बी आंसर लिखा है, वैसे ज़्यादातर बच्चों ने बी लिखा है, आई एम हैप्पी टू सी दैट, बट नया क्वेश्चन का भी जल्दी से कर देना। ओके चलिए, बी मनीष ने, सौरभ ने, जयंत बेद ने बहुत अच्छा लिखा है, और नया क्वेश्चन जल्दी से निपटाओ। तो यही मैं बोल रहा हूँ, जैसे वनस्पति या जो भी बच्चे हैं कि अप्रैल में शुरू होगा, मार्च में शुरू होगा, कब शुरू होगा, बच्चों नया बैच जब भी शुरू हो, तू तो 11वीं का शायद, और जो भी ड्रॉपर के लिए भी, ड्रॉप के लिए भी अगर सोचे होंगे आप, है ना, जो नए एकदम जेई के बारे में पता चल रहा है अभी बच्चों को, उनको ड्रॉप लेना बेस्ट रहेगा। या एक बार ट्राई तो करेंगे मेन अप्रैल वाला लिख के, लेकिन वही बात है ना, जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे प्लस पे, जितना जल्दी आओगे आप ही को फायदा होगा, बात वही है। तो यहाँ पे देखना, एक्सीडेंट हो गया है न्यूक्लियर लैबोरेटरी में, और ये 2016 में एडवांस में आया हुआ है। कैन यू बिलीव सच अ सिंपल क्वेश्चन, कि हाफ लाइफ 18 डेज है और 64 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन था, तो 64 टाइम्स ज़्यादा रेडिएशन था, लेट से 64 एन नॉट था, लेकिन हमें एन नॉट ही चाहिए, तो कितना वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे इससे यहाँ पे आने में आपको 2 to the power 64 इज व्हाट, 2 to the power 6, 2 to the power 6 इज 64, तो 2 to the power 6 हाफ है ना, 2 to the power 6 है अगर ये, दैट इम्प्लाइज 6 हाफ लाइफ्स यानी कि 6 टाइम्स हाफ लाइफ दे रखा था 18 डेज। तो ये अगर आपने किया है, ये अगर आपने एग्जैक्टली किया है, या थोड़ा बहुत अलग भी किया है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। सी अगर आपका आंसर आ रहा है, बेहतरीन, आप लोगों के प्लस 4 हो गए एडवांस में, चमक रहा है। एडवांस में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं यारो, और मेन में ट्रिकी भी आते हैं। अभी आता हूँ मेन टाइप की एक दो और क्वेश्चन में, बट लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, क्वेश्चन करते रहना है। और एक और नई चीज़ पे मैं आ रहा हूँ, देखना ध्यान से, यहाँ पे आप मीन और एवरेज लाइफ, जैसे हाफ लाइफ का एक कंसेप्ट है, एक मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, दोनों का मतलब सेम है। वो क्या होती है, यहाँ पे सुनो, एवरेज टाइम फॉर विच अ रेडियो एक्टिव मटीरियल रिमेन्स एक्टिव, रिमेन्स एक्टिव मतलब डीके नहीं हो रहा है, ऑन एन एवरेज वो मटीरियल या एक न्यूक्लियस भी कितने टाइम के लिए एक्टिव रहता है। तो मीन या एवरेज निकाल रहे हैं अगर हम, तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, मीन और एवरेज ऐसे भी निकालते हैं मैथमेटिकली, तो ऐसे निकालते हैं, दिस इज डिफाइंड एज सम ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स से अगर सम ऑफ एजेस, सम ऑफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई करना है, आपको यहाँ पे एक इंटीग्रेशन बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप ये इंटीग्रेशन बिठाएंगे बच्चों, इसकी वैल्यू आपको 1/λ मिलती है। तो ये अगर एक छोटा सा एक होमवर्क के लिए भी मैं दे सकता हूँ ये चीज़, तो फाइंड आउट दिस वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू 1/λ। इंटीग्रेशन का बाय पार्ट्स वाला चीज लगेगा, बट वो आप कर ही लोगे। तो यहां पे अगर मैं एक चीज बता रहा हूं, द एवरेज और मीन लाइफ इज रेसिप्रोकल ऑफ द डीके कांस्टेंट, एवरेज और मीन लाइफ की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, यहां पे ध्यान दो, एवरेज लाइफ इज 1/λ, 1/λ की वैल्यू मुझे मालूम है कैसे आ सकती है, अगर मैं हाफ लाइफ को ln2 से डिवाइड कर दूं, है ना, तो 1/λ इज इक्वल टू टी हाफ डिवाइडेड बाय ln2 से, आप एग्री करते हैं, अगर आप वो करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे मीन लाइफ और या फिर एवरेज लाइफ को ऐसे भी समझ सकते हैं आप, दिस इज आई हैव रिटन दिस, ओके, तो टी हाफ डिवाइडेड बाय ln2 यानी कि टी हाफ इज इक्वल टू ln2 मल्टीप्लाइड बाय टी एवरेज, है ना, वो इस चीज़ को चलो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज टी हाफ इज इक्वल टू ln2 मल्टीप्लाइड बाई टी एवरेज। तो टी एवरेज को एक तो आप ऐसे समझो, टी हाफ और टी एवरेज के बीच का ये रेशियो, और एक ऐसे भी समझो कि ये एन नॉट से चालू हुआ है, डिसइंटीग्रेशन का सिलसिला बच्चों एन नॉट से चालू हुआ है, और कुछ समय के बाद एन नॉट बाई टू हो गया है, तो वो टाइम कितना होता है, दैट टाइम इज टी हाफ, हाफ लाइफ यानी कि एन नॉट बाई टू हो गया है, लेकिन इन वन
वन मीन लाइफ में अगर ये टी एवरेज का वैल्यू मैं 1/λ लेता हूँ, तो यहाँ देखना n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैमडा टी होता ही है. तो यहाँ पे एन नॉट इन टू ई टू द पावर माइनस लैमडा टी एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस टी एवरेज पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, तो माइनस वन हो जाएगा क्या ये चीज़. अगर लैमडा इंटू टी एवरेज की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ से मैंने एन नॉट बाई ई जो चीज़ है वो आपको भाई एक बार बहुत पहले भी बता रखी है, 0.37 करीब इसकी वैल्यू होती है 1/E. 0.37 इंटू एन नॉट मतलब ओरिजिनल का 37%. तो ओरिजिनल एन नॉट का 0.37 37% हो जाता है इन वन हाफ लाइफ. तो इतनी सी चीज़ अगर आप समझ रहे हैं, यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिए, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई डिक्रीजेस टू 37% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. ठीक है, लाइक आरसी सर्किट. यस, आरसी सर्किट में और हमने जो और सर्किट सॉल्विंग की उनमें भी यही फंडा था, उनमें भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ चार्ज है ना, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऑफ करंट आगे जाके. तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है, ये दोनों के बीच में एक रिलेशन मैंने दो तरीकों से लिख दिया है. यहाँ देखना एवरेज और हाफ में कौन सा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, सोच रहे हो, इस ग्राफ को देख रहे हो, थोड़ा सा इस ग्राफ को लिखना भी और ये दोनों पॉइंट्स बनाना भी. 37% एंड दिस इज 0.5, ऑफकोर्स 0.5 यानी कि 50% ऑफ द इनिशियल वैल्यू. थोड़ा बहुत लिखते रहो बच्चों और ये सवाल को आंसर करोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको समझ आ चुका है. ठीक है, MCQ फॉर्मेट. ओके, सो मज़ेदार. हेलो काजल, ओजस, विराट, अनिकेत, बढ़िया लग रहा है. चलिए ये सिंपल सा सवाल, जल्दी आंसर करना, पूरा एक मिनट नहीं लेना इसमें. क्या आंसर आ रही है आपकी? तो कौन सा बड़ा है, वन एवरेज लाइफ इज हाफ द एक्टिव नंबर इन वन एवरेज लाइफ, हाफ द एक्टिव डीके हो जाते हैं क्या? तो हाफ द एक्टिव डीके तो हाफ लाइफ में होते हैं भाई. ठीक है, वन एवरेज लाइफ इज लेस देन द हाफ द एक्टिव न्यूक्लियर डीके हो जाएंगे क्या वन एवरेज लाइफ में, वन मीन लाइफ में, है ना, एक ही बात है. तो यहाँ पे मैं इसको रोक रहा हूँ. यहाँ पे अगर एवरेज या मीन लाइफ की बात हम कर रहे हैं, तो एक मीन लाइफ में लेस देन हाफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या मोर देन हाफ द न्यूक्लियाई निपट जाते हैं, ये पूछ रहा है ये. तो बच्चों आपको यहाँ पे ग्राफ में समझ आ ही गया था कि इन वन हाफ लाइफ आधे होते हैं, बट इन वन एवरेज लाइफ या मीन लाइफ 37% बच जाते हैं, यानी कि 63%. जो 63% मोर देन हाफ होता है ऑफकोर्स, तो वो अगर एक साथ निपट गए हैं इन एवरेज लाइफ, तो सी इज़ द राइट आंसर. सी सभी ने लिखा है क्या? सी लिखा है, पता नहीं डी किसने लिखा है, मस्ती में डी भी लिख दिया बच्चों ने, तो अच्छा लग रहा है मुझे. ये सब भी कर रहे हो आप, यहाँ ध्यान दो. एक्टिविटी एक चीज़ है, एक्टिविटी बहुत सिंपल है. एक्टिविटी क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन. रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को आप काउंट रेट भी बोलते हैं. काउंट रेट मतलब कि एक नंबर ऑफ कितने एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स डीकेइंग पर सेकेंड. समझ में आ रहा है, फील आ रही आपके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने नंबर ऑफ एटम्स डीके हो रहे हैं. तो यहाँ पे अगर एक्टिविटी को मैं सपोज ए से डिनोट कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या चीज़ लिखूँ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डीके, काउंट रेट, ये सभी एक ही चीज़ के नाम है. ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डीके का रेट dN/dt. ठीक है, dN/dt वैसे नेगेटिव में आएगा क्योंकि आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर डिक्रीजिंग विद टाइम. ठीक है, तो ये dN/dt वाली वैल्यू वैसे क्या आती है, दिस इज इक्वल टू, यह इसको पॉजिटिव पे रखना है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बट दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैमडा टी को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो. इसको डिफ्रेंशिएट करिए बच्चों एक बार, क्या आपको लगता है चीज़ें आएंगी आपके सामने. ये ई टू द पावर समथिंग का इंटीग्रे है ना डिफ्रेंशिएशन, ये माइनस लैमडा आ जाएगा एंड ई टू द पावर माइनस लैमडा टी एज इट इज आएगा. तो यहाँ पे ये जो एन नॉट इंटू लैमडा वाली चीज़ है, एन नॉट इंटू लैमडा वाली चीज़ को अगर मैं ए नॉट रख देता हूँ, ए नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, ए नॉट का मतलब हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैमडा टी, यहाँ आ रहा है ना, तो ए नॉट का मतलब हो जाएगा टी इक्वल टू जीरो रखना. टी इक्वल टू जीरो पे ए इज इक्वल टू ए नॉट, सो ए नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी. इनिशियल एक्टिविटी इनिशियली कितना डीके हो रहा है,
ये आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से भी डिफाइन करूँ, बच्चों ध्यान देना, अगर एक्टिविटी को ए से ना डिफाइन करके आर से मैं अगर डी के रेट करके डिफाइन कर रहा हूँ, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में यार अलग अलग नॉमेनक्लेचर है, तो कई बार आप आर देखोगे कई बार ए देखोगे, कन्फ्यूज मत हो जाना। एक बार फिर से बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ डी के पर सेकेंड निकालना है, तो आर अगर डी एन बाई डी टी, एंड एज आई सेड माइनस भी लगा सकते हो, तो माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन। क्या एग्री करते हैं आप इससे? ये क्या चीज़ है? ये लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन अपन ने जस्ट 5-10 मिनट पहले पढ़ा है। तो आर इज इक्वल टू लैम्डा एन की वैल्यू मैंने एन नॉट ऐसे भी रख दी, तो ये लैम्डा एन को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लैम्डा एन नॉट को बच्चों आप इनिशियल एक्टिविटी आर नॉट बोल दो या ए नॉट जो आपने बोला था, दोनों चलेंगे। सो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, अगेन अ सिमिलर फंक्शन सिमिलर फॉर्मूला। ये क्या चीज़ है कि किस तरह से एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस समय के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट आएंगे बच्चों, यहाँ पे भी हाफ लाइफ में 50% निपट गए और मीन लाइफ में कितने निपटे, 63% यहाँ पे निपट गए हैं, 37% रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें अगर आपने दो बार सीख ली है, आई डोंट थिंक आपको और कुछ है ना। क्वेश्चन पे आता हूँ मैं थोड़ी देर में, बट ये देखो आर नॉट इज इक्वल टू लैम्डा एन नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी, ओके, इसी चीज़ को आप आर नॉट बोल रहे हो, इनिशियल एक्टिविटी लैम्डा इंटू एन नॉट होती है। तो एज आई सेड, अच्छा एक बार यूनिट्स और कर लेते हैं, तो यूनिट्स इसके क्या होंगे, एक्टिविटी जो है उसके यूनिट्स क्या होंगे, ऑफकोर्स डी के पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना डीके हुआ, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड लिखा हो तो भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस चीज़ को हमने एक एसआई यूनिट वन बैक्वायरल बोला है, बिकॉज ऑफ द गाय है ना, बिकॉज ऑफ द पर्सन हु हैज डिस्कवर्ड दिस। तो ये एसआई यूनिट है, उसके अलावा ऑफकोर्स और भी यूनिवर्स और भी यूनिट्स हैं, जैसे कि वन क्यूरी। तो वन क्यूरी जो कि रेडियम के केस में काफ़ी यूज होता है, इस 3.7 × 10⁻¹ बैक्वायरल्स, ओके। सो दिस कन्वर्जन यू डोंट नीड टू मेमोराइज, आपको एग्जाम में वैसे देंगे, बट याद रखते हैं तो अच्छी बात है। 1 mCi इज इक्वल टू 37 रदरफोर्ड, एक और यूनिट है, ठीक है, रदरफोर्ड के ऑनर में एक और यूनिट है 10⁶ बैक्वायरल्स। तो ये अगर आपको चीज़ समझ में आ गई है, एक्टिविटी पर ग्राम, कई बार ये भी क्वेश्चन में अगर दिया है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक्टिविटी एक ग्राम की अगर दे दी है तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको यूनिट्स का आइडिया एक दे रही हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्पेसिफिक एक्टिविटी 1 ग्राम ऑफ रेडियम का 1 क्यूरी होता है, तो 1 क्यूरी की डेफिनेशन वहाँ से आती है। बट ये अगर आपको एक बड़ा बड़ा आइडिया दे रही, कन्वर्जन समझ में आ रहा है, तो यस विल कम टू अ क्वेश्चन एंड आंसर दिस इन 1 मिनट, ठीक है, ओके, ऑल राइट। हेनरी बेक्वायरल, आई एम ग्रेट संजीव, हाउ आर यू, and Srinetra is also here, great, hello Rajan, okay, नया सवाल है, थोड़ा सा समय लग सकता है। देखो तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला अलग अलग questions में activity को आई ए आर कुछ भी हो सकता है, तो you get used to it, there is no standard nomenclature for anything, और इसको जल्दी से please answer करें, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ सकता है, बट आई थिंक 1 मिनट इज़ गुड इनफ। इनफैक्ट वी आर गेटिंग आंसर्स ऑल्सो फ्रॉम दीपम, अजाज, टिकटॉक लवर, अरे वाह, यहाँ पे यूट्यूब पे क्या बात है, और पूजा, बट मैं वेरीफाई करता हूँ अभी थोड़ी देर में, रितु, पायल, रमाकांत, लॉट्स ऑफ आंसर्स। चलिए, ज़्यादातर बच्चों के जो मैंने नाम लिए हैं सही आंसर है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और यहाँ पे बाढ़ आ गई सही आंसरों की। मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स। एक्टिविटी अगर आई नॉट हो जाती है इन द पीरियड ऑफ 9 ईयर्स, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आई इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसी तरह वेरी करेगी, ठीक है, बट आई नॉट हो जाती आफ्टर अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स। तो अगर इस तरह की लैंग्वेज लिखी है तो मुझे यहाँ पे आई नॉट लिखने दो, ठीक है, और यहाँ पे आई इनिशियल को मैं आई ही रहने देता हूँ लेट से, और दिस इज इक्वल टू है ना आई नॉट हो जाती है, आई इनिशियल थी इन 9 ईयर्स, नंबर वन है ना, 9 रख दिया टी की वैल्यू को। एक और इक्वेशन बनाते हैं जहां पे ये क्या पूछ रहा है कि आफ्टर फर्दर लैप्स ऑफ 9 ईयर्स इनिशियल एक्टिविटी का है ना, इनिशियल एक्टिविटी आई था, तो अभी 9 और 9 18 ईयर्स के बाद क्या होगा बच्चों, आई ई टू द पावर माइनस लैमडा इंटू 9 प्लस 9
फर्दर 9 ईयर्स मतलब क्या होगा, टोटल 18 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो आई का कितना फ्रैक्शन हो जाता है ये भी देखते हैं। तो दिस इज आई टाइम्स ई टू द पावर माइनस लैमडा इंटू 9। अच्छा, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको अगर समझ में आ रहा है, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ दिस, एंड ये अगर 1/3 हो गया है, ये चीज़ आपको दी हुई थी यार, तो ये चीज़ 1/3 हो गया है, ये मैंने देखा नहीं था। आई नॉट इज ओरिजिनल एक्टिविटी, ओ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इस सवाल में, माई बैड, बट विल मेक इट वर्क, नॉट एन इश्यू। आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 3 हो चुका है, नंबर वन इक्वेशन, एंड आई डैश विच इज आई नॉट ई टू द पावर माइनस लैमडा इंटू 18, वो कितना हो गया है, सो दिस विल ऑफकोर्स बिकम द स्क्वायर ऑफ द अबव थिंग विच इज आई नॉट बाय 9, है ना, स्क्वायर ऑफ द आई नॉट बाई 3, आई नॉट बाई 9। सो आई थिंक सी इज द राइट आंसर, कई बच्चों ने सी लिखा भी है, बट सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह से अगर आपके सवाल कुछ हैं, इनको ट्राई हम कर रहे हैं और सीख रहे हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली इनसे सीख रहे हैं। चैलेंज टू एवरी वन आउट देयर, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन इन 1 मिनट, जिसका सही 1 मिनट में आंसर आ गया वो आराम से मेन और प्रोबेबली एडवांस भी क्लियर कर लेगा। ओके, टेक इट एज ए चैलेंज, लाइव आने का यही यही फायदा है। ऑलराइट, ओके, वेटिंग, नए सवाल का आंसर सोच समझ के करना, ब्लाइंडली मत कर देना बच्चों, है ना, लेट्स नॉट डू दैट। एंड ठीक है, रॉयल क्लैशर 07YT, आई डोंट नो व्हाई यू हैव नेम दिस, बट अपना नाम बचो, अपना ओरिजिनल नेम रखो यार, जो आपको रैंक लिस्ट पे दिखेगा, जो आपके माता पिता ने दिया है और जो बड़ा सुंदर है, आई एम श्योर। सो ये बच्चे का आंसर सही है वैसे, सबसे सही और सबसे पहला रॉयल क्लैशर ने आंसर किया है, उसके बाद कुछ आंसर्स अभी तक सही नहीं है, है ना, सही आंसर बच्चों लेके आओ। ओके, टेक योर टाइम, बट डोंट, आई थिंक पूजा, लक्ष्मी, जमशेद, पायल, उसके बाद कई बच्चों ने किया भी है, तो यहाँ देखना, रेडियो एक्टिव सोर्सेज एन बी ऑफ हाफ लाइफ, 1 आवर एंड 2 आवर, हाफ लाइफ हमें को पता ही है, यहाँ पे ए और बी का हाफ लाइफ दे रखा है, 1 आवर एंड 2 आवर। उसके बाद इनिशियली सेम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स है, रेडियो एक्टिव एटम्स इनिशियली, लेट से एन नॉट है दोनों के, ठीक है, आफ्टर द एंड ऑफ 2 आवर्स रेट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब ये एक्टिविटी की बात कर रहा है आफ्टर द एंड ऑफ द टू आवर्स। तो हमको पता है कि ए के केस में बच्चों एक्टिविटी ए के केस में कितना होगा आफ्टर द एंड ऑफ 2 आवर्स, तो इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है, ए का जो भी इनिशियल एक्टिविटी था ई टू द पावर माइनस लैमडा ए ऑफ, है ना, ऑफ ए एंड टू, तो यहाँ पे ए का जो इनिशियल एक्टिविटी है, अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो भी अलग है, क्योंकि एन नॉट तो सेम है, एन नॉट इज सेम बट लैमडा ऑफ ए इज डिफरेंट, है ना, तो ये चीज़ अगर आप प्रॉपरली लिखोगे, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। और सेम चीज़ एक्टिविटी ऑफ बी आफ्टर 2 आवर्स, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ बी e to the power minus lambda of b into 2 hours time is same, I guess, for both of them. तो आपको यहाँ पे n not same दिया है दोनों का, but lambda of b and lambda of a are different because their half lives are different. e to the power minus lambda b into 2b यहाँ पे कर दिया, तो ये जो ये दोनों चीज़ का क्या निकालना है आपको, difference, आपको इनका सॉरी रेशियो निकालना है, तो रेशियो अगर निकालना है तो जल्दी से डिवाइड कर दो, इन दोनों का मैंने डिवाइड किया, ध्यान देना, एक्टिविटी ऑफ ए एक्टिविटी ऑफ बी आफ्टर 2 आवर्स द रेशियो इज एन नॉट गायब, ये लैमडा ए बाय लैमडा बी, अब लैमडा ए बाय लैमडा बी को मैं क्या इसका उल्टा लिख सकता हूँ, लैमडा ए बाय लैमडा बी इज टी बी बाई टी ए, ठीक है, टी बी बाई टी ए यानी कि 2/1, और ये 2/1 होने के बाद यहाँ पे ई टू द पावर को भी देखते ध्यान से, लैमडा बी माइनस लैमडा ए इंटू 2, तो लैमडा बी माइनस लैमडा ए भी कितना हो जाएगा, लैमडा बी माइनस लैमडा ए विल बी ln 2 कॉमन, है ना, ln 2 कॉमन 1/2 - 1, तो इस तरह से अगर आप प्रोसीड करोगे तो बिल्कुल सही वैल्यूज रखने पे क्या आंसर आता है देखते हैं, ln 2 - 1/2, उस माइनस हाफ को अंदर ln के अंदर ले जाऊंगा तो 2 to the power - 1/2 आएगा, और ये पहले से आपका 2 था, तो बच्चों यहाँ पे 2 into 2 to the power -1/2 जो आ रहा है, ठीक है,
टू टू द पावर माइनस हाफ, और यहाँ पे एक टू और था, तो चलिए यहाँ पे एक टू और है एंड है ना, दिस विल बी बिकॉज ऑफ द माइनस हाफ, दिस आंसर हैज़ टू बी समथिंग इन रूट, है ना, इन रूट और वॉट, लेट सी. तो यहाँ पे ई टू द पावर लैम्डा बी माइनस लैम्डा ए एल एन टू टू द पावर, हाँ तो इस चीज़ को मैंने क्योंकि एल एन ऑफ टू टू द पावर माइनस हाफ लिखा है, और क्योंकि एल एन है और ई भी है, तो ये पूरी चीज़ आपकी वन बाई टू आ जाएगी, और वन बाई टू इंटू टू आई थिंक येस, तो डी इज़ द राइट आंसर. कई बच्चों ने लिखा भी है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया तो टाइम ज़्यादा लग गया, बट लेट्स मूव ऑन यार, इस चीज़ को थोड़ा जल्दी लेते हैं. अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे मैं आ ही रहा हूँ, बट प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ भी कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, न्यूक्लियस टी टाइम पे सर्वाइव कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से देखना. अगर आपको सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ देखनी है तो वो भी इसी तरह का एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आता है, बिकॉज कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया हैं जो कि सर्वाइव कर रहे हैं, और इनिशियल कितने थे, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लिया विच आर सर्वाइविंग, है ना, विच आर देयर एंड एन नॉट इज़ द इनिशियल, तो इनको अगर हमने डिवाइड किया तो ये ई टू द पावर माइनस लैमडा टी, जिसकी वैल्यू टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल सभी की टी इक्वल टू जीरो पे वन है, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ये बात को समझ रहे हो, जैसे समय बीतेगा डिसइंटीग्रेशन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उस पर भी मैं आ ही रहा हूँ, बट सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ रही है. साथ साथ कितने न्यूक्लियाई हैं जो कि डीके हो चुके हैं, कितने न्यूक्लियाई हैं बच्चों जो डीके हो चुके हैं, एन डैश से इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा सिंपल भी है बट ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सपोज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेड, वो हम निकाल रहे हैं, ऑलरेडी कितने डीके हो चुके, कितने बचे हैं वो नहीं, एन क्या था, अगर आपको याद है एन इज़ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ अनडीकेड न्यूक्लियाई, ठीक है, तो अनडीकेड न्यूक्लियाई हैं एन, बट कितने डीके हो गए, एन नॉट माइनस एन ऑफकोर्स, तो एन नॉट माइनस एन को क्या मैं एन नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये भी कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेड है ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर एन डैश इज ऑल्सो द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई है ना बच्चों, डॉटर न्यूक्लियाई यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके टाइम के साथ क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ेंगे, यस बढ़ेंगे. टी इक्वल टू जीरो पे कितने था, जीरो, लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल कर्व, वन माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, दिस इज अप्रोचिंग एन नॉट एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो डॉटर न्यूक्लियाई का ग्राफ, पेरेंट न्यूक्लियाई का ग्राफ, दोनों चीज़ें अगर आप समझ रहे हो तो साथ साथ ये सवाल को जल्दी से करो. ओके, या ये सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, मेरे पास समय की शायद कमी हो जाएगी, ये सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में लो, जल्दी से इस पे मैं आ रहा हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल निकाल ली हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके या तो आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल निकाल लो, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके इज द यू नो 1 माइनस दिस थिंग, प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ाई है, या फिर ऐसे भी समझो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके एक टी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, दिस इज इक्वल टू एन डैश, जो कि कितने डीके हो चुके हैं, कितने डॉटर बन चुके हैं, वो एन डैश डिवाइडेड बाय एन नॉट, तो एन नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी ये हमने निकाला, डिवाइडेड बाय एन नॉट करोगे तो भी आपके पास ये इस तरह का फॉर्म आएगा. और यस बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके टाइम के साथ क्या प्लॉट आएगा, क्या लगता है, टी इक्वल टू जीरो पे डीके होने की संभावना कितनी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, शुरू में टी इक्वल टू जीरो पे डीके होने की जीरो प्रोबेबिलिटी है, बट एज टाइम प्रोग्रेसेस और बहुत बहुत लंबे समय के बाद ये प्रोबेबिलिटी वन हो जाएगी आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट उसको समय में आने में है ना इन्फिनिटी टाइम लगेगा, तो ये सवाल जल्दी से यार करो यार. चलो कुछ सवाल है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये आई थिंक लास्ट सवाल होगा जो बाकी के सवाल मैं होमवर्क में दे पाऊंगा, तो लेट्स सी, मेरे पास दो बढ़िया सवाल और हैं और हो भी जाएंगे, बट थोड़ा ये वाला जल्दी करना. ओके बेटा, अगर आपको राधा स्पीड ज़्यादा लग रही है, मुझे तो स्पीड कम लग रहा है, मैं तो और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा रेगुलर हो जाओ, यू विल फाइंड दैट दिस स्पीड इज़ वेरी अप्रोप्रिएट इफ़ यू आर गोइंग टू राइट द जनवरी मेन, अगर तुम बैठने वाले हो तो ये स्पीड पे आपको आना चाहिए यार बेटा, ठीक है.
ओके मोहित, डोंट स्पैम बेटा, एक बार तू कमेंट लिखेगा मुझे दिख भी जाएगा। तो आई थिंक कल हमारा जो एक लेक्चर होगा संडे को, उसमें मैं न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन करवा के रेडियो एक्टिविटी ख़त्म कर रहा हूँ। गुड न्यूज़ फॉर यू, यस। एंड इसी के साथ हमारा एडवांस लेवल का जो सिलेबस है वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, यस। तो ए ए ए सी ए सी और ए के बीच में कन्फ्यूजन चल रहा है, इसको क्लियर करते हैं बच्चों। सैम्पल कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई, प्रोबेबिलिटी दैट अ न्यूक्लियस इन द सैम्पल विल डीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रट के, इस तरह का फॉर्मूला तो आप लगा ही सकते हो बच्चों, बट इसको समझो, फील करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी डीके होने की, डॉटर न्यूक्लियाई जितने बन चुके हैं या जितने डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं वो डिवाइडेड बाय एन नॉट करेंगे। तो यहाँ पे अगर फोर हाफ लाइफ की बात हो रही है बच्चों, फोर हाफ लाइफ में एन नॉट से एन नॉट बाय टू टू द पावर फोर हो चुका है। कौन कौन? जितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचे हैं, जितने अनडीकेड बचे हैं एन नॉट से एन नॉट टू द पावर टू, है ना, एन नॉट बाई टू टू द पावर फोर बच गए हैं। तो कितने निपट गए हैं, कितने रह गए हैं बच्चों? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एन माइनस एन नॉट, सॉरी उल्टा लिख दिया, एन नॉट माइनस एन, बट समझ गए राइट, फीलिंग समझ गए। ये चीज़ अगर आपको निकालनी है तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले से तो निकाल ही सकते, बट ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई थिंक एन नॉट माइनस एन नॉट बाय 16, है ना, और कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, इसका मतलब 15 एन नॉट बाय 16 डिसइंटीग्रेट हो गए, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 15 बाय 16 इज़ द राइट आंसर। क्या लगता है प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी? नहीं, चार हाफ लाइव्स हो चुकी है बच्चों, चार हाफ लाइव्स हो चुकी हैं, तो आपका जो आंसर है वो धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, प्रोबेबिलिटी वन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो वन के क्लोजेस्ट वैल्यू एक्चुअली ऐसे भी देख सकते थे, पर चलिए जैसे भी आपने निकाला अच्छी बात है। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन ले पाऊंगा मैं, मेरे को लगता है 10 मिनट में हो जाएगा। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, यहाँ पे अगर ए एलिमेंट को डिसइंटीग्रेट होने के बाद बी बन रहा है और बी का भी फर्दर डिसइंटीग्रेशन होके सी बन रहा है, तो इस तरह के प्रोसेस को सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे ए के डिसइंटीग्रेशन की रेट और बी के फॉर्मेशन की रेट सेम है, ए के डिसइंटीग्रेशन की रेट यानी कि बी के फॉर्मेशन की रेट, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ मैं, डी एन बी बाई डी टी दोनों क्या होंगी, दिस विल बी इक्वल टू लैमडा वन इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन ए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये चीज ठीक है, आपको समझ में आ रही है, ये लैम्डा वन है और इस प्रोसेस का अगर लैम्डा टू है तो सिमिलरली रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, बी की वैल्यू जो जिस रेट से कम हो रही है, सिर्फ ये प्रोसेस को अगर मैं देखूं, सिर्फ अगर इस प्रोसेस को अभी मैं देख रहा हूं, तो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा टू एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एक्चुअली बीच में चेंज हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान से देखो कि आपके पास रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए डी एन वन बाई डी टी या डी एन ए बाई डी टी ये होगा, और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी लैम्डा टू एन बी। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, क्योंकि बी बीच में आ रहा है तो ये रेट से बी का फॉर्मेशन हो रहा है और ये रेट से बी का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, या फिर यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा, ये चीज़ आएगा, थोड़ा बहुत समझ रहे हो? हाँ करो, और ये अगर समझ में आ रहा है और थोड़ा स्लो करके देख लेना, अगर नहीं भी, नए बच्चों को यार शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट पुराने वालों को नहीं होगी। 30 सेकेंड में सवाल स्क्रीन पे है, ट्राई एंड आंसर कर दोगे तुम लोग, जो पुराने बच्चे कर देंगे वही मैं कह रहा हूँ, रेगुलर हो जाओ यार, थोड़ा स्पीड पिकअप करो, इससे ज़्यादा स्पीड पे तो मैं यू नो, ये तो वीडियो है, इसको तो आप पॉज भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा स्पीड पे आपको प्रोसेस होना चाहिए। आपका जो 8 GB का रैम है उसको 16 पे लाओ, अगर 4 पे हो अभी भी तो दिक्कत तो आएगी। चलिए, कोई लोड नहीं है, आराम से पढ़ो और स्लो करके पढ़ लो, और फाइंड द कंडीशन विच इन विच द नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम्स कॉन्स्टेंट। क्या आप सवाल को समझ रहे हैं? एक सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तब अच्छे से समझ में बिल्कुल आएगा। सपोज द डॉटर न्यूक्लियस डीकेज इट्सेल्फ एंड लैम्डा वन एंड लैम्डा टू,
अदर डीके कांस्टेंट्स ऑफ द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई. डॉटर न्यूक्लियाई को अगर मैं बी बोलता हूँ तो ए से बी बन रहा है ना, डॉटर न्यूक्लियाई बी है, और बी से फर्दर सी भी बन रहा है. यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट पे लैम्डा वन और लैम्डा टू ये डिसइंटीग्रेशन डीके कांस्टेंट यूज करना है, और एन वन एन टू बी द नंबर ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई एट टाइम टी, पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई के एन वन एन टू. तो फाइंड द कंडीशन, एक थ्योरेटिकल आंसर टाइप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, सब्जेक्टिव तरह से मैं पूछ रहा हूँ. ट्राई एंड राइट दिस इन द कॉमेंट्स हाउ एवर यू कैन. कई बच्चे लिख देते हैं क्रिएटिव होके, बट कॉमेंट्स या लाइव चैट में जल्दी से लिखें. समझ गए मेरी चीज़? यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम कॉन्स्टेंट बोला है, नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई बिकम कॉन्स्टेंट कब हो जाएगा? बी के नंबर कॉन्स्टेंट कब हो जाएंगे? जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए. समझना इसको, प्यार से बता रहा हूँ. इसका डिसइंटीग्रेशन का रेट और इसका डिसइंटीग्रेशन का रेट अगर सेम हो गया, या फिर सी के फॉर्मेशन का रेट बच्चों अगर सेम हो गया, तो क्या बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कॉन्स्टेंट हो जाएंगे? तो ये अगर चीज़ आपको समझ में आ रही है नंबर वन, और ये चीज़ अभी का अभी हमने लिखा भी है कि लैम्डा वन एन वन और लैम्डा टू एन टू, या फिर इसके फॉर्मेशन का रेट प्लस साइन के साथ, तो ये अगर आपने लिख दिया, और यहाँ पे मैं लैम्डा वन एन वन माइनस है ना, या इक्वल टू कर दूँ डायरेक्टली लैम्डा टू एन टू अगर मैंने लिखा है, तो दिस इज द आंसर आई एम लुकिंग फॉर. दिस इज एक्चुअली द आंसर आई एम लुकिंग फॉर. ध्यान दो यहाँ पे, अगर ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या ये रेट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल हो गए हैं, लैम्डा वन एन वन इक्वल टू लैम्डा टू एन टू, तो इसमें लैम्डा वन बाय लैम्डा टू को क्या लिख सकते हैं? क्या इसको बच्चों टाउ टू बाय टाउ वन भी लिख सकता हूँ? क्या मैं इस चीज़ को हाफ लाइफ या एवरेज लाइफ के केस में भी लिख सकता हूँ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाफ लाइफ एंड हाफ लाइफ ऑफ 2 बाय 1, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, तो हाफ लाइफ ऑफ 2 बाय हाफ लाइफ ऑफ 1, या फिर टाउ क्या है? ये मीन लाइफ है, टाउ से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, या मीन या एवरेज से भी रिप्रेजेंट करें. सो टाउ 2 बाय टाउ 1, दिस बाय दिस, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इस चीज़ को रटना पड़ रहा है तो आप गलत कर रहे हो. आप इस चीज़ को समझ जाओ, और इस चीज़ से एन टू बाय एन वन है ना, यहाँ पे एन वन है, एन टू बाय एन वन, टाउ टू बाय टाउ वन, ये भी आ रहा है साथ साथ. सुनो ना, ये एक और प्रूफ है जो आप कर लोगे. आई थिंक ये चीज़ तुम कर लोगे, नहीं तो मैं ये चीज़ क्विज में ले लूँगा. एक और थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, बट आई बिलीव कर लोगे. सिंपल है यार, थोड़ा सा फाइट करो डेली प्रैक्टिस के लिए. जो भी प्रॉब्लम आपको दी जा रही है सब करो सॉल्व, ठीक है? और पीडीएफ में ये चीज़ें मैं पीडीएफ में लगाता हूँ, वहाँ से देख के फिर सॉल्व करना अच्छा रहेगा. जो भी ट्रिकी पार्ट लगता है उसके बारे में कमेंट्स लिख दीजिए. दैट रिक्वेस्ट विल बी टेकन अप इन अ क्विज मोस्टली, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर एवरीथिंग, बट एक छोटी सी चीज़ जो रह गई है वो आप आई एम श्योर कर लेंगे. बच्चों इस वीडियो से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा अगर आप इस तरह के सारे वीडियोस देखते हैं. आपको IIT JEE मेन एडवांस दोनों की प्रिपरेशन सॉलिड इस चैनल पे कई महीनों से मिल रही है. जो बच्चे नए आ रहे हैं उनको सब्सक्राइब बटन दबाना है, जो कुछ बच्चे रिसेंटली जुड़ रहे हैं उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया. बच्चों बेल आइकन से आपको क्विजेस की नोटिफिकेशन, लेक्चर्स की टाइम फिक्स है 7 to 10, बट क्विज की नोटिफिकेशन यार कई बार हम क्विज आफ्टरनून में 3 बजे कर देते हैं, 3:30 करते हैं, 4 करते हैं, 5, कुछ भी टाइम हो सकता है, तो नोटिफिकेशन मिस हो जाएगी तो लाइव इवेंट में नहीं आ पाओगे. लाइव आने का ही मज़ा है. मैं अभी यहाँ पे इन पर्सन हूँ, ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो अच्छा लगता है, लाइव आने में मज़ा है. साथ साथ हमारे इस मिशन को सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. बच्चों #JEELiveDaily के साथ अभी इन वीडियोज़ को शेयर करें, चाहे आप SMS पे शेयर करें, WhatsApp पे, Facebook और Insta पे अगर आप कर रहे हैं तो हम चारों को अपने पोस्ट में टैग करें, #hashtag ज़रूर यूज़ करें. विल गेट इन टच विथ यू इफ़ आई सी योर पोस्ट फॉर श्योर. तो बच्चों इनको वीडियोज़ को आगे बढ़ाते रहें, अपने दोस्तों को बताएं, और साथ साथ प्लस पे जो बच्चे पूछ रहे हैं क्वेरी ये वो, बच्चों जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना बेटर है. आज रात को ही अपने पेरेंट्स से बात करो और जयंत लाइव कोड से एनरोल करो. बच्चों ये जब आप कोड यूज़ करते हो तो ये बात की गारंटी ज़रूर है, डिस्काउंट तो मिलेगा, सभी कोड से उतना ही मिल रहा है, बट जब आप इसको यूज़ करके मेरे को टेलीग्राम पे एक बार लेट मी नो दैट आई हैव यूज्ड जयंत लाइव कोड, तो मैं आपको अपना मेन, आने वाला मेन, अप्रैल का मेन, या एडवांस एग्ज़ाम, या जो भी छोटी क्लासेस में बच्चे हैं सभी को गाइड करूंगा, मेंटर करूंगा अपने टारगेट के लिए. तो बच्चों दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड. जल्दी से एक और लेक्चर चालू होने वाले, तो उसके लिए मैं जगह बनाता हूं. साथ साथ लेट्स क्रैक इट टुगेदर, ओके एवरीवन, लेट्स क्रैक इट. अनअकैडमी JEE, अनअकैडमी नीट एंड अनअकैडमी फाउंडेशन, तीनों चैनल्स को याद में रखो. सब लोग इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को, आस पड़ोस में सभी को बताओ. एंड यस, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड. मैं और क्विजेज लूँगा,
और कल भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसके लिए आना लाइव। बाय एवरीवन, टेक केयर।